हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा निटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। ये देखिए, फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 12 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 20 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 27 फंदे लिए हैं, 24 फंदे 12 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे स्टिच के होंगे। और नीचे से बेस देने के लिए 4 रॉ उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। आपने जब भी इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है तो आप जो भी बॉर्डर नीचे बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद जब इसे स्टार्ट करेंगे तो इसे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। तो देखिए, स्टार्टिंग से स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे और 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 धागा पीछे करेंगे। अब आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से धागा आगे है, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा 12 फंदों का पैटर्न है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदे हमारे यहाँ तक हो गए हैं। इसमें हमने पहले 4 फंदे उल्टे बनाए, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, 2 फंदों का एक फंदा बनाया, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 धागा पीछे। ये देखिए, टोटल यहाँ पर हमारे पास सेंटर में 7 फंदे उल्टे आएंगे। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, लास्ट में 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4, स्टिच भी उल्टा ही। ये देखिए, फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। इस रॉ में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं हर बार वैसे ही बुनेंगे, 4 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, लास्ट में 4 फंदे सीधे, स्टिच भी सीधा ही। रॉ थर्ड, राइट साइड। अब देखिए, स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक जाली वाला फंदा, इसे भी सीधा ही बुनेंगे। ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हर बार जाली डालेंगे, और जो साइड के जाली वाले फंदे होंगे उनको सीधा बुनते जाएंगे।
जब भी हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं तो ये सेंटर के फंदे के दोनों तरफ ही एक एक फंदा जाली वाला डालेंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर ये वाला फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। स्टार्टिंग कैच स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, स्टिच भी उल्टा ही। ये देखिए रॉ थर्ड कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। रॉ 5 राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, 1 2, ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2, सीधा फंदा है उतारेंगे, टर्न करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, ये देखिए दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, 1 2, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक उल्टा फंदा, ये देखिए लास्ट का फंदा भी उल्टा ही। रॉ 5 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। रॉ 7 राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, एक सीधा एक उल्टा फंदा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, स्टिच भी उल्टा ही। ये देखिए रॉ 7 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। 9th रॉ है राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर फोर फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, फोर फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर देखिए सेंटर में एक उल्टा फंदा है, अब इसे हमने कैसे डिक्रीज करना है वो देखिए, ये सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, ये देखिए उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे और सीधे फंदे को पीछे लेकर जाएंगे, और एक ये वाला सीधा फंदा आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे, ये देखिए ऐसे, फिर से 1 2 3 4, फंदे सीधे, धागा आगे चढ़ डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे चढ़ डालेंगे, फोर फंदे सीधे, 3 4, एक सीधा एक उल्टा फंदा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे सीधा। ये देखिए रॉ 9 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 10th रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यही 10 रॉ ऊपर हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी।
ये वाला लीफ अब यहाँ पर सेंटर में आएगा और साइड में हम हाफ लीफ बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, रॉ 11 राइट साइड एज स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। यहाँ पर हमारा हाफ लीफ बनेगा, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, जाली डालेंगे, ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा एस स्टिच भी सीधा ही। ये देखिए रॉ 11 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। रॉ 13 राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, एक फंदा जाली वाला था इसे सीधा बुन लेंगे, एक सीधा फंदा एक उल्टा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा सीधा, सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक सीधा एक उल्टा फंदा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए स्टार्टिंग के 5 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5, धागा पीछे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, एस स्टिच भी सीधा ही। रॉ 13 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। रॉ 15 राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, एक सीधा एक उल्टा फंदा, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे, फिर से धागा आगे, जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे, एक सीधा एक उल्टा फंदा, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। स्टार्टिंग के 6 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा एस स्टिच सीधा। ये देखिए हमारी 15 रॉ कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। रॉ 17 राइट साइड एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, अब 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, एक सीधा एक उल्टा फंदा, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा एक उल्टा फंदा, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे, धागा आगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, सीधा एक उल्टा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा एस स्टिच भी सीधा ही। रॉ 17 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। रॉ 19
राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फोर फंदे सीधे, टू थ्री फोर। अब देखिए ये सेंटर में एक उल्टा फंदा है और साइड में एक एक सीधा फंदा, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे। पहले बैक लूप से उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे और सीधे फंदे को पीछे लेकर जाएंगे। अब आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर से फोर फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फोर फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर, फिर सीधा एक उल्टा फंदा सेंटर में, इनका फिर से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ट्विस्ट कर लेंगे दो फंदों को और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे, फोर फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, स्टिच भी सीधा ही। रो 19 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो 20 कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, एक बार आप इसकी फर्स्ट रो देख लीजिए कैसे करेंगे। स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, स्टार्टिंग के फोर फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर, धागा पीछे करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। देखिए ये सेंटर का फंदा है, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, सेवन फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, धागा पीछे, फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए ये वाला जो सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ एक एक जाली डलेगी, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, धागा आगे, लास्ट के फोर फंदे उल्टे, टू थ्री फोर, स्टिच भी उल्टा ही। ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है और ऐसे ही बार बार इसकी 1 to 20 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉच माई वीडियो।